आज हम अपना कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस ड्यू पॉइंट कॉरपोरेशन ने दिया 1920 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो रिलेटेड किससे है, तो जो हमारा ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो रिलेटेड है रिटर्न ऑन इक्विटी से। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। लेकिन जो ड्यू पॉइंट कॉरपोरेशन थी उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी के इस फॉर्मूले को ब्रेक करके इससे तीन फॉर्मूले बनाए, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर हम इस फॉर्मूले को सेल से सेल्स कट करते हैं, एसेट्स से एसेट्स, तो लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी ही बच जाता है, यानी कि जो लास्ट में बच जाता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी ही बच जाता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करके कंसीडर करते हैं तो इससे हमें नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स से प्रॉफिटेबिलिटी पता चल रही है, टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स से एसेट्स टर्नओवर पता चल रहा है, टोटल एसेट्स से डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से लीवरेज पता चल रही है। यानी कि हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स टर्नओवर और लीवरेज, तीनों चीज़ों के बारे में पता चल रहा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस के फॉर्मूले से। इन्होंने कहा कि यदि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या एसेट टर्नओवर की वजह से या लीवरेज की वजह से। ये तीनों ही हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और इन्हीं से हम दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि अगर उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे मुकाबले में ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स टर्नओवर ज़्यादा है या लीवरेज ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी से जो हमारा इनका रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि इन तीनों में से एक बढ़ता है या दो बढ़ते हैं या तीनों ही बढ़ते हैं तो हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, एसेट्स टर्नओवर यानी कि जो हमारी टोटल एसेट्स है वो जितनी जल्दी जल्दी टोटल सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, या हमारी लीवरेज बढ़ रही है, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो रिलेटेड किससे है, रिटर्न ऑन इक्विटी से। फिर इसके कौन कौन से पॉइंट को इसमें कंसीडर किया गया है, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स टर्नओवर, लीवरेज, यानी कि इससे हमें बहुत सारी बातों के बारे में पता चलता है कि हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कंपेरिजन कर सकते हैं, और जो हमारा रिलेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स टर्नओवर और लीवरेज का रिटर्न ऑन इक्विटी से, वो कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। और ये दिया किसने था, ड्यू पॉइंट कॉरपोरेशन ने, कब दिया था, 1920 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनके हर एक पॉइंट को क्या करना है, हमें ध्यान से समझना है कि ये रिलेटेड किससे है, रिटर्न ऑन इक्विटी से, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। ये हमारा क्या था, ड्यू पॉइंट एनालिसिस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।